सो हाई गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एस सी एडिटिंग वर्ल्ड। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की यूट्यूब सर्च फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस टाइप की फोटो एडिटिंग सीखने के लिए वीडियो कीजिए एंड तक वॉच, एंड हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑल पर प्रेस। चलिए तो गाइस, बिना देरी किए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। ओके, सो गाइस, आपको सबसे पहले आपकी नॉर्मल से पिक को पिकआर्ट्स एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेना है। एंड गाइस, उसके बाद सिंपली राइट साइड में ये एफएक्स वाले टूल्स में जाना है। एंड उसके बाद गाइस, ये फोर्थ नंबर में बीएनडब्ल्यू वाले फिल्टर में जाना है। एंड गाइस, उसके बाद ये वाले ब्लैक एंड वाइट फिल्टर को चूज़ कर लेना है, MNCH2 गाइस। एंड उसके बाद गाइस, ऊपर ये सेंटर में ईरेज वाले टूल्स पर जाना है। एंड उसके बाद गाइस, ये सिलेक्ट वाले टूल्स चूज़ कर लेना है यहाँ पे। एंड उसके बाद गाइस, सिंपली ये बैकग्राउंड वाले टूल्स को सिलेक्ट कर लेना है एक बार। एंड उसके बाद गाइस, ये पर्सन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद गाइस, यहाँ से राइट साइड से डन कर लेना है। एंड उसके बाद अगेन डन कर लेना है यहाँ से। एंड उसके बाद सिंपली गाइस, राइट साइड से स्क्रॉल डाउन करना है। एंड उसके बाद गाइस, यहाँ से ऐड फोटो वाले आइकन पर जाना है। एंड उसके बाद यहाँ से PNG को ऐड कर लेना है गाइस, शैडो वाली। ये PNG को ऐड करने के बाद गाइस, कुछ इस टाइप से सेट कर लेना है इसको जूम करके। उसके बाद गाइस, यहाँ से ब्लेंड मोड में जाना है इसके, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देना है। एंड उसके बाद कुछ इस टाइप से सेट कर लेना है इसको सेंटर में। उसके बाद गाइस, डन कर देना है यहाँ लेफ्ट साइड से। एंड उसके बाद ऐड फोटो वाले आइकन पर जाना है अगेन। एंड उसके बाद ये वाला रेड लाइट को ऐड कर देना है गाइस। एंड उसके बाद इसको ऐसे जूम करके कुछ इस टाइप से सेट कर देना है सेंटर में। एंड उसके बाद गाइस, इसकी ओपेसिटी को 70 के समथिंग रख देना है। एंड उसके बाद इसके ब्लेंड मोड में जाना है गाइस, सिंपली इसके ब्लेंड मोड में जाके गाइस, इसको स्किन कर देना है एंड कुछ इस टाइप से इसको सेट कर देना है। एंड उसके बाद लेफ्ट साइड से डन कर देना है गाइस सिंपली। एंड गाइस, उसके बाद अगेन ऐड फोटो वाले आइकन पर जाना है सिंपली। एंड उसके बाद गाइस, ये PNG को ऐड कर लेना है गाइस सिंपली, ये यूट्यूब सर्च वाली PNG को ऐड कर लेना है सिंपली। एंड उसके बाद गाइस, इसको यहाँ से लेफ्ट साइड से इसको डुप्लीकेट कर लेना है गाइस सिंपली। तो गाइस, अभी बताता हूँ इसको। इसके बाद गाइस, इसको क्रॉप कर लेना है सिंपली। इसको गाइस सिंपली ये 16.9 इशू में रख लेना है एंड ऐसे जूम कर लेना है गाइस। एंड उसके बाद गाइस, ये यूट्यूब को सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद गाइस, यहाँ से लेफ्ट राइट साइड से डन कर लेना है गाइस सिंपली। एंड उसके बाद गाइस, इसको जूम करके कुछ इस टाइप से सेट कर देना है गाइस सिंपली सेंटर में। एंड इसके ब्लेंड मोड में जाना है गाइस सिंपली। एंड उसके बाद इसके ब्लेंड मोड को स्किन कर देना है एंड इसको कुछ इस टाइप से जूम करके सेट कर देना है। एंड उसके बाद ये वाली PNG को सिलेक्ट करना है एंड इसको भी गाइस क्रॉप कर लेना है सिंपली। इसको भी 16.9 इशू में ले लेना है गाइस। एंड उसके बाद गाइस, कुछ इस टाइप से जूम करके इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ से राइट साइड से डन कर देना है। एंड इसके ब्लेंड मोड में जाना है गाइस सिंपली। एंड इसके ब्लेंड मोड को भी गाइस सिंपली स्किन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, इसको ऐसे सेंटर में करके कुछ इस टाइप से जूम करके कुछ इस टाइप से सेट कर देना है गाइस सिंपली। एंड उसके बाद गाइस, ये लेफ्ट साइड से डन कर देना है सिंपली। एंड अगेन ऐड फोटो वाले आइकन पर जाना है सिंपली। एंड उसके बाद गाइस, ये एक और PNG को ऐड कर लेना है गाइस। इसको ऐड करने के बाद गाइस, सिंपली इसको भी कुछ इस टाइप से सेट कर देना है फ़ोटो के ऊपर अप्लाई कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, ब्लेंड मोड में जाना है इसके भी ब्लेंड मोड में जाने के बाद गाइस, इसको भी स्किन कर देना है सिंपली। एंड उसके बाद गाइस, ये लेफ्ट साइड में ये ईरेज वाला टूल से दिख रहा होगा, इस पर आना है। एंड उसके बाद यहाँ से ये सिलेक्ट वाला टूल एंड उसके बाद गाइस, सिंपली ये ईरेज वाले टूल्स पर जाना है। एंड उसके बाद गाइस, सिंपली इसको इन्वर्ट कर देना है गाइस ये राइट साइड से। एंड उसके बाद इन्वर्ट करने के बाद गाइस, ये रिस्टोर वाले आइकन पर जाना है। एंड इसका साइज कुछ रख लेते हैं गाइस 40 के समथिंग गाइस साइज रख लेना है। एंड ओपेसिटी को 100 रहने देना है एंड हार्डनेस को 70 रहने देना है। एंड उसके बाद गाइस, सिंपली रिस्टोर कर लेना है कुछ इस टाइप से जूम करके। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ गाइस सिंपली।
तो गाइस ये हो चुका है सिंपली। एंड इसके बाद गाइस ये राइट साइड से डन कर लेना है एंड उसके बाद ये लेफ्ट साइड से डन कर लेना है सिंपली। तो गाइस फोटो एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। एंड उसके बाद गाइस एक काम और कर लेना है, ये एफएक्स वाले टूल्स में जाना है सिंपली। एंड उसके बाद गाइस ये सिंपल वाले फ़िल्टर में जाना है एंड उसके बाद गाइस यहाँ से एक फ़िल्टर चूज़ कर लेना है सिंपली। ये फ़िल्टर चूज़ कर लेना है गाइस सिंपली, NTRL2 वाला फ़िल्टर गाइस चूज़ करके यहाँ से डन कर देना है गाइस राइट साइड से। सो गाइस फ़ोटो एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। सो गाइस आप देख सकते हैं फ़ोटो कितनी ऑसम लग रही है, देख सकते हैं गाइस बिफोर एंड आफ्टर, गाइस बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कीजिए लाइक एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।